नमन प्रणाम ऑल ऑफ यू, वंदे मातरम मित्रों। आज हमारा टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, डर कर नौका पार नहीं होती। एक कोशिश पांच मिनट केवल इंग्लिश के नाम, और वो है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसे हम केवल वन वर्ड कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इस प्रकार हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पांच मिनट, अप्लाइंग वन सेल्फ टू वेरियस सब्जेक्ट। पहला है अप्लाइंग वंस, एक व्यक्ति जो अपने आप को अप्लाइंग करता है किसके लिए, सेल्फ टू वेरियस सब्जेक्ट, अपने आप को खूब सारे सब्जेक्ट पर लागू करता है, अपने आप को इतना तैयार करता है कि वो खूब सारे सब्जेक्ट पर पकड़ रखता है। जब हम कंपलसरी इंग्लिश पढ़ते हैं टेंथ क्लास में, इलेवेंथ में और सीनियर में, तब इंट्रोडक्शन आता है पोइट का, और उसमें खूब सारे ऐसे सेंटेंस आते हैं कि शेक्सपियर वाज ए वेरी वर्सेटाइल जीनियस ड्रामाटिस्ट राइटर पोइट, शेक्सपियर बहुमुखी प्रतिभा का धनी, नाटककार कवि। इस प्रकार तो वर्सेटाइल यानी होता है जिसे कहते हैं बहुमुखी प्रतिभा का धनी, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न, यानी जो एक अच्छा लेखक भी है, एक उपन्यासकार भी है, एक कवि भी है, पोइट भी है, उसे कहते हैं वर्सेटाइल जीनियस, बहुमुखी प्रतिभा का धनी। वर्सेटाइल जीनियस को यदि अपन सिनोनिम्स में ले, VERSATILE, वर्सेटाइल, जैसे एक खिलाड़ी होता है वो यदि ऑलराउंडेड होता है, जैसे हमारे युवराज ऑलराउंडेड था, तो वर्सेटाइल को, बहुमुखी प्रतिभा को ऑलराउंडेड भी कहते हैं, ALLROUNDED, ऑलराउंडेड। और उसे क्या कहते हैं, मल्टीलेटरल, वो खूब सारे कार्य एक साथ कर सकता है, बहुउद्देशीय होता है, तो उसे कहते हैं मल्टीलेटरल, ऑलराउंडेड, मल्टीलेटरल। और वो क्या होता है, प्रोटियन होता है, वो खूब सारे काम प्रोटियन जैसे करते हैं, प्रोटियन, ऑलराउंडेड, मल्टीलेटरल और मल्टीलेटरल, मेनी साइडेड, और वो क्या होता है, मेनी साइडेड, यानी वो बॉल भी अच्छी फेंक लेता है और बैटिंग भी अच्छी कर लेता है ना, मेनी साइडेड, MANYSIDED, मल्टीलेटरल बहुमुखी, प्रोटियन बहुमुखी, ऑलराउंडेड बहुमुखी, वर्सेटाइल बहुमुखी। एक शब्द के लिए अनेक शब्द आते हैं, तो इस प्रकार वर्सेटाइल जीनियस या वर्सेटाइल जो बहुमुखी होता है, वर्सेटाइल वर्ड के लिए ऑलराउंडेड, मेनी साइडेड, मल्टीलेटरल, प्रोटियन, ये सारे उसके सिनोनिम्स है। नेक्स्ट है हमारा विच, जो कैन बी अचीव्ड, जिसे क्षमा किया जा सके, जो क्षमा करने योग्य हो, उसे हम कहते हैं वेनियल, VENIAL, वेनियल यानी सम्य, वेनियल यानी सम्य, जो क्षमा करने योग्य है उसे कहते हैं वेनियल। तो इनके खूब सारे सिनोनिम भी होते हैं, जैसे ये अपन एक्जुल्ड शब्द है, इससे बना सकते हैं कि EXCUSABLE, एक्जुबल यानी सम्य, वेनियल सम्य। एक होता है पार्डोनेबल सम्य, PARDONABLE, पार्डोनेबल यानी सम्य। कंडोनेबल CONDONABLE, कंडोनेबल, कंडोनेबल सम्य, पार्डोनेबल सम्य, वेनियल सम्य, एक्यूजेबल सम्य, फॉरगिवेबल सम्य, जिसे भूल सकते हैं अपन, फॉरगिवेबल, फॉरगिवेबल यानी FORGIVABLE, फॉरगिवेबल यानी सम्य, एक्सक्यूजेबल यानी सम्य, पार्डोनेबल सम्य, कंडोनेबल सम्य, वेनियल सम्य, यानी विच कैन बी एक्सक्यूज, जो क्षमा करने योग्य है या जिसे क्षमा किया जा सके, उसे कहते हैं क्या, वेनियल, कंडोनेबल, पार्डोनेबल, एक्सक्यूजेबल, फॉरगिवेबल। जहां आपको स्पेलिंग खूब सारी मिस्टेक हो सकती है, डिस्क्रिप्शन में मैं इनका पूरा विवरण दूंगा, वहां आपको पढ़ने को मिलेगा। उसमें भी यदि कोई मेरी तरफ से कोई त्रुटि रह गई है तो आप इंगित करिए कि सर यहाँ आपने त्रुटि रखी है, आप डिस्क्रिप्शन, जो मेरा वीडियो उसके डिस्क्रिप्शन में देखना, कि पूरा आपको मैटर मिलेगा इंग्लिश का।
नेक्स्ट है हमारा तीसरा, ए कंप्लीट चेस्टिटी इन केस ऑफ वुमेन, कंप्लीट यानी पूर्ण, चेस्टिटी यानी शुद्धता इन केस ऑफ वुमेन, और एक और से संबंधित है पूर्ण शुद्धता क्या कहलाती है, विर्जिनिटी, विर्जिनिटी यानी हिंदी अर्थ होता है कौमार्य, कौमार्य जिसका कुंवारापन भंग ने किया हो उसे कहते हैं विर्जिनिटी, वी आई आर जी आई एन आई टी वाई, विर्जिनिटी। अच्छा किसी में छेड़छाड़ नहीं की हो, कोई चीज एकदम बड़ी शुद्ध पड़ी हो उसे क्या कहते हैं विर्जिनिटी, जैसे कोई चीज यदि एकदम शुद्ध है तो उसे कहते हैं प्योरिटी, ये विर्जिनिटी का सिनोनिम्स है प्योरिटी। फिर क्या आता है क्लीननेस, सी एल ई एन एन ई डबल एस, क्लीननेस प्योरिटी, विर्जिनिटी इनोसेंस, कोई व्यक्ति एकदम यदि निर्दोष है तो उसे कहते हैं इनोसेंस, इनोसेंस क्लीननेस प्योरिटी इनोसेंस, जिस पर कोई दाग नहीं लगा हो उसे कहते हैं स्पॉटलेसनेस, जिस पर किसी भी प्रकार का दाग नहीं हो उसे कहते हैं स्पॉटलेसनेस, यानी प्रकृति में जिस प्रकार बनाया हो वैसा पड़ी हो तो वीचू, वी आई आर टी यू, यानी प्रकृति प्रदत्त गुण वाला विर्चू, जैसा प्रोडक्ट बनाता वैसा पड़ा है, क्लीननेस बिल्कुल एकदम साफ सुथरा, प्योरिटी बिल्कुल शुद्धता, स्पॉटलेसनेस जिस पे किसी भी प्रकार का दाग नहीं लगा है, इनोसेंस बिल्कुल निर्दोष, विर्जिनिटी कौमार्य, इस प्रकार कंप्लीट चेस्टिटी इन केस ऑफ वुमेन, एक औरत के मामले में पूर्ण शुद्धता आदि आदि शब्दों से हम नवाज सकते हैं। तो इस प्रकार विर्जिनिटी के सिनोनिम्स होते हैं इनोसेंस, क्लीननेस, विर्चू, प्योरिटी, स्पॉटलेस। नेक्स्ट विडोवर क्या है, ए मैन हुज वाइफ इज डेड, एक व्यक्ति जिसकी औरत संसार छोड़ के चली गई हो, एक व्यक्ति जिसकी औरत मर गई हो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, देखो ए मैन हुज वाइफ इज डेड, एक व्यक्ति जिसकी औरत मर गई हो उसे कहते हैं विडोवर, विडोवर होता है विदुर, बिना औरत वाला जिसकी औरत संसार छोड़कर के चली गई हो, विडोवर डब्ल्यू आई डी ओ डब्ल्यू ई आर, विडोवर यानी विदुर। अब इनका होता है जैसे औरत होती है विडो और उसके आगे यदि मैन लगा दिया जाए डब्ल्यू आई डी ओ डब्ल्यू एम ए एन, विडोमैन, विडोमैन का अर्थ होता है विदुर, विदुर, और विडोवर का अर्थ होता है विदुर। वाइफलेस हस्बैंड भी क्या होगा विदुर, डब्ल्यू आई एफ ई वाइफ लेस हस्बैंड, बिना घरवाली का पति, बिना घरवाली का पति हो ही नहीं सकता तो वाइफलेस हस्बैंड विदुर, विडोवर विदुर, विडोमैन विदुर। तो इस प्रकार विडोवर के यानी विदुर के सिनोनिम्स होते हैं, ए मैन हुज वाइफ इज डेड, ए व्यक्ति जिसकी और संसार छोड़ के चली गई हो, जिसका देहांत हो गया हो उसको कहते हैं विडोवर, उसको कहते हैं वाइफलेस हस्बैंड, उसको कहते हैं विडो मैन। तो इस प्रकार भगवान करें ये सब दोबारा नहीं पढ़ाना पड़े क्योंकि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ए प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट, ए प्लेस, प्लेस एक स्थान, वेयर जहां वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर आर केप्ट रखे जाते हैं, क्या है जू, जू यानी हिंदी में बोलेंगे चिड़ियाघर, जू को हिंदी में बोलेंगे चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर में कौन रहते हैं, विभिन्न प्रकार के जानवर रहते हैं और उन जानवर में क्या होता है, जैसे जानवर है वाइल्ड, जंगली है वाइल्ड लाइफ, जंगल में जीने वाले वाइल्ड लाइफ पार्क, वहां भी जानवर रखे जाते हैं, जू में जानवर रखे जाते हैं, जूलॉजिकल पार्क में जानवर रखे जाते हैं, जेड डबल ओ एल ओ जी आई सी एल जूलॉजिकल पार्क, ये इनके सिनोनिम्स है जू के, जू जूलॉजिकल पार्क वाइल्ड लाइफ पार्क, एक शब्द अपने को जगह जगह मिलता है, जूलॉजिकल पार्क की जगह जूलॉजिकल गार्डन भी हो सकता है कि उसके अंदर भी रखा जा रहा हो, और इस प्रकार इनके सिनोनिम्स है। एक शब्द है जिसे कहते हैं एम ई एन ए, एम ई एन ए जी ई आई आर ई,
इस शब्द को बोलने में थोड़ा अटपटा है, मेनेंगरी 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 यानी चिड़ियाघर, मेनेंगरी यानी चिड़ियाघर मेनेंगरी। यदि अपन गूगल पे जब ढूंढेंगे तो यह शब्द आएगा मेनेंगरी, मेनेंगरी वाइल्ड लाइफ पार्क या वाइल्ड लाइफ गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, जू, यह आदि इसके सिनोनिम्स है। तो ए पैलेस वेयर वाइल्ड एनिमल आर कैप्ट, एक स्थान जहां जानवर रखे जाते हैं, जू, जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ पार्क, मेनेंगरी। तो इस प्रकार इनके नेक्स्ट है अपना सिक्स, वेल वर्स्ट, एक अच्छी तरह वर्स्ट विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों की वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन क्या कहलाता है, जो जो व्यक्ति जानवरों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करता है उसे कहते हैं जूलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट यानी इसे कहते हैं जंतु शास्त्री, जंतु शास्त्री जो जानवरों का अध्ययन करता है, जंतु शास्त्री जूलॉजिस्ट यानी जंतु शास्त्री। जंतु शास्त्री होता है वो क्या होता है, एनिमल का क्या होता है, एनिमल का साइंटिस्ट होता है, इसलिए उसे जंतु वैज्ञानिक भी कहते हैं, जूलॉजिस्ट भी कहते हैं, उसे विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। तो ए में वो व्यक्ति जो जानवरों का अच्छी तरह अध्ययन करता है उसे जूलॉजिस्ट या उसे एनिमल साइंटिस्ट कहते हैं। इस प्रकार जंतु शास्त्री। नेक्स्ट है हमारा सेवंथ, ए मटेरियल थ्रू विच वाटर कैन नॉट पास, ए मटेरियल एक पदार्थ, एक पदार्थ थ्रू जिसमें से, विच जिससे वाटर कैन नॉट पास, पानी पास नहीं होता हो, अर्थात एक ऐसा पदार्थ जिससे पानी पार नहीं होता हो, यानी पानी को जो रोकता हो उसे क्या कहते हैं, वाटर प्रूफ, हिंदी क्या होगा, जल रोधक, जल रोधक उसे कहते हैं, जल रोधक वाटर प्रूफ कहते हैं। देखो एक क्वेश्चन होता है जिसे कहते हैं ओपेक्यू, ओ पी ए क्यू यू ई, ओपेक्यू का अर्थ होता है अपारदर्शी, अपारदर्शी ऐसी वस्तु जिससे दिखाई नहीं देता हो उससे कहते हैं ओपेक्यू, और यानी जिससे अपना प्रकाश आर पार नहीं जाता हो उसे तो कहते हैं ओपेक्यू, अपारदर्शी, और जिसमें से जल नहीं जाता हो उसे कहते हैं वाटर प्रूफ। दोनों में अंतर है, वाटर प्रूफ ओपेक्यू का जैसे विंडो, विंडो ग्लास क्या होता है, ओपेक्यू होता है, जैसे जेल विंडो होता है, जेल विंडो इज ओपेक्यू, यानी जेल की खिड़की होती है वो अपारदर्शी होती है, कैदी बाहर नहीं देखे इसलिए उसकी खिड़की अपारदर्शी लगाते हैं, जो ओपेक्यू, तो इस प्रकार का ओपेक्यू यानी अपारदर्शी, और वाटर प्रूफ यानी जैसे अपने मोबाइल होते हैं तो वाटर प्रूफ होते हैं, तो ये शब्द वहां जल रोधक के लिए काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार दोनों में फर्क है, लेकिन वाटर प्रूफ का जब अपन कहेंगे तो जैसे रेन प्रूफ होता है, जो अपन रेनकोट पहनते हैं जिसमें से पानी नहीं जाता उसे रेन प्रूफ, वाटर प्रूफ, रेन प्रूफ, रेन टाइट, रेन टाइट, रेन प्रूफ, वाटर प्रूफ, रेन टाइट, रेन प्रूफ और वाटर टाइट भी हो सकता है, इसका सिनोनिम्स वाटर टाइट भी हो सकता है, डब्ल्यू ए टी ई आर टी आई जी एस टी आर ए आई एन पी आर डब्ल्यू एफ, रेन टाइट और वाटर प्रूफ यानी जल रोधक, जो जल को जाने नहीं देता हो। हमारा नेक्स्ट है एट, और एट है हमारा फूड दैट प्रमोट्स हेल्थ, फूड दैट प्रमोट्स हेल्थ, वो भोजन जो प्रमोट्स करता है स्वास्थ्य को, यानी स्वास्थ्य वर्धक हो, जो स्वास्थ्य को बढ़ाता हो उसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में उसे कहते हैं होलसम, डब्ल्यू एच ओ एल ई एस ओ एम ई, होलसम यानी पौष्टिक, होलसम यानी पौष्टिक, जो शरीर की पुष्टि वर्धिता को बढ़ाता हो उसे कहते हैं होलसम। होलसम का इंग्लिश शब्द क्या होगा, न्यूट्रिटियस, न्यूट्रिटियस पौष्टिकता, न्यूट्रिटियस, न्यूट्रिशाइंग, न्यूट्रिशिंग, न्यूरिशिंग, एन ओ यू आर आई एस एस आई एन जी, न्यूरिशिंग,
न्यूरिशिंग, न्यूट्रिटियस, न्यूट्रीमेंटल, एलिमेंटल, ये आदि होलसम होता है। होलसम यानी पौष्टिकर, पुष्टिकर, जो पौष्टिक भोजन होता है जो स्वास्थ्य को बढ़ाता है, फूड दैट प्रमोट्स हेल्थ, होलसम, जो स्वास्थ्य को बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं। तो सिनोनिम्स भी अपने साथ हो रहे हैं, इस प्रकार अपना एट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट अपना आता है ए प्लेस इन विच क्लोथेज आर कैप्ट, ए प्लेस एक स्थान, इन विच क्लोथेज आर कैप्ट, जहां कपड़े रखे जाते हैं, एक स्थान जहां कपड़े रखे जाते हैं। कपड़े अपन कोई डोरी होती है तनी बांधते हैं, उस पर भी टांगते हैं, अलग अलग हैंगर में भी लटकाते हैं, लेकिन ये वहां स्थान है जहां समेट कर रखते हैं, उसको कहते हैं वार्डरोब। वार्डरोब क्या होती है? खानेदार, खानेदार जिसमें खाने हो, खानेदार अलमारी, खानेदार अलमारी को क्या कहते हैं? वार्डरोब कहते हैं। जैसे अपने सीनियर में है या इलेवंथ में एक कंपल्सरी इंग्लिश के अंदर पार्ट है रैट ट्रैप, पूरा संसार एक चूहेदानी है, उसमें इस खानेदार अलमारी के लिए एक शब्द आता है जिसे कहते हैं कपबोर्ड, BOARD कपबोर्ड, कपबोर्ड यानी खानेदार अलमारी। और क्लोथिंग यानी वो स्थान जहां क्लोथ रखे जाते हैं। एक शब्द आता है ड्रेसर, 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 क्लोथिंग, कपबोर्ड, वार्डरोब, ये सिनोनिम्स है। यानी ए प्लेस इन विच क्लोथेज आर कैप्ट, एक स्थान जहां कपड़े रखे जाते हैं उसे कहते हैं वार्डरोब, खानेदार अलमारी। तो इस प्रकार हमारा माइक पूरा हुआ। अगला है हमारा टेंथ, जो अंतिम लास्ट है, ए वुमेन, एक और हुज, जिसका हस्बैंड, पति, इज डेड, संसार छोड़ के चला गया हो, मर गया हो, उसे कहते हैं विडो, विडो, WIDOW, विडो, विडो यानी वो और जिसका हस्बैंड इस संसार में नहीं हो। इसका मतलब वो क्या है? उसको हेल्प की जरूरत है, हेल्पमेट है, या उसे हेल्पमीट भी कह सकता है, हेल्पमीट भी कह सकता है, विडो, WIDOW यानी विडो। उसे ऐसा भी कह सकता है कि हस्बैंडलेस वुमेन, हस्बैंडलेस वुमेन कह सकते हैं, हेल्पमेट कह सकते हैं, हेल्पमीट कह सकते हैं, HELPMAT, हेल्पमेट, हेल्पमीट, विडो, ये ऑल आर क्या है? विडो के सिनोनिम्स है। तो इस प्रकार ये वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, एक और जिसका पति मर गया हो उसे कहते हैं विडो। तो इस प्रकार अपने टेंथ पूरे हुए। थैंक यू, शेयर करना, लाइक करना और मुझे आगे बढ़ाना।